69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपनी अपनी मांगों के चलते भर्ती में विवाद अब हो रहा है। काउंसलिंग और दूसरे कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है। अभ्यर्थियों में खुशी अपार है, लेकिन भर्ती में 5,000 है। फॉर्म संशोधन की मांग पर दो धड़ों में अभ्यर्थी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों के बीच में सीटों पर रार बढ़ रही है। 68,500 भर्ती के शिक्षकों के इस भर्ती में शामिल होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में जो रार और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के आगे स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि 68,500 में चयनित शिक्षक की इस 69,000 भर्ती में शामिल हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग पहले से ही चयनित शिक्षकों को ना आवेदन मिले, उसकी इजाजत ना मिले, इस बात की मांग पहले से ही रही है। अब ऐसे में 68,500 में खाली होंगी सीटें, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनके पास में 1,86,060 अभ्यर्थी 21,000 पदों को भी भरने की मांग इस वक्त उठ रही है। मेरा बेसिक शिक्षा पदाधिकारियों एवं मंत्री जी से निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म फिलिंग होगी आगे काउंसलिंग के लिए, उसमें एक संशोधन का मौका प्रदान करें, जिससे जो भी मानवीय त्रुटि हुई है उनमें सुधार हो सके। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में मार्क भरते समय कम फिल हो गया था, जबकि मेरा मार्क्स ज़्यादा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय एवं बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारीगण, आप सबसे निवेदन है कि फॉर्म में संशोधन का एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि हम सब के भविष्य का सवाल है। बहुत से अभ्यर्थियों का इसमें मिस्टेक हुआ है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। मैं पूर्व में चयनित सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन ना करें, जिससे हम जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आवेदन करके आपकी सीटों पर, जो कि आप पहले से कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उन पर नियुक्ति पाकर बेसिक की सेवा कर सकते। सरकार का हम 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ से अभिवादन करते हैं कि प्रदेश सरकार ने 1.5 साल एक लंबे संघर्ष के बाद में रिजल्ट आज जारी कर दिया है, और प्रदेश में सभी जो छात्र उत्कीर्ण हुए हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। मेरा प्रदेश सरकार से इतना ही अनुरोध है कि 68,500 भर्ती में जो लोग नौकरी पा चुके हैं, रोजगार पा चुके हैं, उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग करने का मौका ना दिया जाए। एक उनसे NOC लेकर उन्हें काउंसलिंग करने का मौका ना दिया जाए, इससे ताकि कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित जो बेरोजगार छात्र हैं, योग्य पूर्ण या लो मेरिट छात्र हैं, उनका इससे चयन प्रक्रिया रुक जाएगी और काउंसलिंग में वे नहीं आ पाएगी। हमारे सहयोगी लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चंदमणि, ये इस वक्त जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो रार किसी कैफियत दिख रही है, अब आखिर ऐसा क्यों है, और ऐन मौके पर आकर के जिस तरीके से ये रार दिखाई दे रही है, इस समस्या का कोई समाधान है या फिर ये लोग मान जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये रार सिर्फ है इसलिए कि जो अभ्यर्थी हैं वो 1,46,000 पास हो गए। अब जब अभ्यर्थी 1,46,000 पास हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी से चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए, क्योंकि हर अभ्यर्थी नौकरी चाहता है इस दौर में। अब अगर हम विवादों की बात पर आएँ या जो अभ्यर्थियों की मांग है उस पर आते हैं, पहले हम आते हैं जो अभ्यर्थियों की एक स्वर में मांग है, क्योंकि जो 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए उनकी एक स्वर में ये मांग है कि जो 68,500 की 21,000 भर्तियां बची थी वो इसमें जोड़ दी जाएं। चूंकि पिछली बार की भर्ती में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है जो पास हुए हैं, तो उनको इस भर्ती में जोड़ दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाए। वही दूसरी मांग ये है कि जो 68,500 के अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको विभाग की तरफ से NOC नहीं दी जाए, जिससे वो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि
अगर वो इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर इनका इस भर्ती में चयन होता है तो पिछली भर्ती की एक सीट खराब हो जाएगी, और अगर इनका नहीं भी चयन होता तब भी यहाँ पर एक सीट बर्बाद हो जाएगी। तो जो BTC अभ्यर्थी जो पिछली भर्ती में चयनित हैं उनसे ये लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं अभ्यर्थी कि वो इस भर्ती में हिस्सेदारी ना करें और जिनको नौकरी नहीं मिली उन्हें नौकरी मिलने का अवसर प्रदान करें। वही अब विवादों पर आते हैं, विवादों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज पर जाते हैं तो OBC के अभ्यर्थी जो हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में पास है, करीब 84,000 के आसपास OBC कैंडिडेट पास है, और जनरल जो कैंडिडेट पास हैं वो करीब 36,000 के पास हैं, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि 34,000 के पास में जनरल कैंडिडेट की संख्या होगी जो चयनित अध्यापक के तौर में। तो जनरल कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि जो कास्ट वाइज ओवरलैपिंग है वो ना हो, जिस वजह से जो जनरल कैंडिडेट है उनकी सीट सुरक्षित रह सके। वहीं जो OBC कैंडिडेट है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती सामान्य तौर से किया जाए जिससे OBC कैंडिडेट जाहिर तौर पर ये एक मुश्किल और ये एक रार किसी स्थिति चंद्रमणि शुक्ला दिख रही है। बहरहाल इंतजार करना होगा कि इस पर सरकार का पक्ष क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका चंद्रमणि शुक्ला।